अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं अनायतुल्ला और आप देख रहे हैं जायका रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए अमेरिकन स्टाइल पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आए हैं, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 100 ml नीम गर्म दूध लिया है और हम इसमें 10 ग्राम यीस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये डो हम दूध के साथ तैयार करेंगे। गर्म दूध में यीस्ट मिलाने से यीस्ट जल्दी एक्टिवेट हो जाती है और पिज़्ज़ा बहुत ही नरम बनके तैयार होता है। हमारी यीस्ट अच्छी तरह मिक्स हो गई है और अब हम इसमें 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून साल्ट और 1 अंडा डालकर मिक्स करेंगे। चीनी से पिज़्ज़ा में क्रिस्पीपन और अंडे से पिज़्ज़ा की ब्रेड बहुत सॉफ्ट तैयार होती है। अंडे को दूध में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मैदा डालेंगे। हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह गूंद लें। डो को हमने ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम गूंदना है। गार्गी आटे से पिज़्ज़ा की डो को थोड़ा सा नरम गूंदना है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो को अच्छी तरह गूंदने के बाद जब डो फाइनल प्रोसेस में आए तो इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह गूंद कर डो को तैयार कर लेंगे। डो तैयार हो गई है। देखें, हमारी डो ना सख्त है और ना नरम। हमें इस तरह की डो तैयार करनी है, इससे परफेक्ट पिज़्ज़ा तैयार होगा। डो को हम 4 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब हम पिज़्ज़े के लिए जल्दी से अमेरिकन पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक बाउल में 3 टेबलस्पून टमाटो केचप और 4 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी डालेंगे। टमाटो प्यूरी की रेसिपी मैं बाद में अपलोड करूँगा। इसमें हम 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरेगानो और 1 टीस्पून बाजिलिकम डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमारी मज़ेदार अमेरिकन पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गई है। अब हम पिज़्ज़ा के लिए चिकन रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करके इसमें 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट के छोटे छोटे क्यूब काट कर डाल दिए हैं और अब मैं इसमें 1 टीस्पून टमाटो पूरी, 2 बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें तेज़ वाली, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छी तरह चिकन को पका लूँगा। हमारी पिज़्ज़ा के लिए चिकन रेडी है। हमारे पिज़्ज़ा की डो तैयार है। डो को बॉल से निकाल कर एक दफ़ा फिर गूंद कर पेड़ा बना लेंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे और पिज़्ज़ा के लिए बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। आटे को रेस्ट देने से रोटी आसानी से बेल जाएगी। रोटी को बेलने के बाद पिज़्ज़ा ट्रे में रख कर बराबर कर लेंगे और एक्स्ट्रा रोटी किनारों से जो बाहर है वो काट लेंगे। मोज़रेला चीज़ को मैंने इस तरह स्टिक्स की शक्ल में काट लिया है और इसको हम पिज़्ज़ा के किनारों में फिल करेंगे। चीज़ रख कर रोटी के किनारों को इसी तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। चीज़ को किनारे में रख कर फोल्ड करते हुए हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे किनारे फटे नहीं। किनारों को फोल्ड करने के बाद किनारों को इस तरह से अच्छी तरह दबाएंगे ताकि हमारे पिज़्ज़े के किनारे बाद में खुल ना सकें। अब हम पिज़्ज़े के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस को हमने किनारों पर भी लगाना है, इससे चीज़ से भरे किनारे और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल करेंगे और हमारा कुक किया हुआ मज़ेदार चिकन डालेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल भी ली हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने 3 कलर की शिमला मिर्चें, थोड़ी सी रेड कटी हुई प्याज, थोड़े से कटे हुए ओलिवन और थोड़ा सा कॉर्न लिया है जो कि पिज़्ज़ा पर डालेंगे। और अब हम इस पर बर्गर चीज़ डालेंगे और हमारा पिज़्ज़ा कुकिंग के लिए तैयार है। पिज़्ज़े को हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक ओवन में कुक करेंगे। हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। इसको अब काट कर टेस्ट करते हैं। हमारा चिली चिकन पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। पिज़्ज़े का कलर चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है।
किनारे चेक करें, माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और चीज़ी बने हैं और कहीं से फटे भी नहीं। देखें माशाल्लाह कैसा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है।